हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन लेकर आए हैं जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर जेंट स्वेटर में डालें तो बहुत ही प्यारा और छोटा छोटा ये डिज़ाइन बनकर आता है। लेडीज में भी डालिए, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। बच्चों में भी आप इसे डाल सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी भी स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं और बच्चे हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बड़े हो, जेंट्स हो, किसी में भी आप ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये 20 फंदे डाले हुए हैं और ये हमने वन रो बुनाई किया हुआ है सीधी सिलाई। अब हम रॉन्ग साइड आते हैं सेकंड रो में और इसे भी हम सीधा बुन लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और ये जो हमारा सेकंड रो है वो रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से हमें ये सीधा बुनाई करना है। इस रो को हम पूरा सीधा बुनाई करेंगे। देखिए हमारा ये सेकेंड रो उल्टा बुनकर हमने तैयार कर लिया। देखिए ये पूरा हमारा राइट साइड से उल्टा है। अब हम आते हैं थर्ड रो में। ये हमारा थर्ड रो है और इसमें हमें देखिए क्या करना है। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। एक फंदे को हमने स्लिप किया है, एक फंदा हमने सीधा बुनाई किया है। इसके बाद ऊन के धागे को हम आगे साइड लाएंगे और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। जैसे कि देखिए, एक और दो। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का है, एक फंदा हमने सीधा बुना है और एक जाली वाला फंदा है और दो फंदे हमने सीधे बुने। तो जो हमारा ये जाली वाला फंदा है, इसे हम इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। देखिए ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर ऊन के धागे को अपनी साइड करेंगे और फिर दो फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे। जब सीधे बुनेंगे तो यहाँ एक जाली वाला फंदा आएगा। देखिए एक दो, दो फंदे हमने बुनाई किया और ये जाली वाला फंदा है, इसे हम इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और ये जाली वाला फंदा, इसे हम स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे और ये देखिए एक फंदा, दो फंदा, दो फंदा हमने बुनाई किया और ये जाली वाला फंदा, इसके ऊपर से हम स्लिप कर देंगे। फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और इसके ऊपर से हम इसे स्लिप कर देंगे। ये टू टू के मल्टीपल का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसको इसी तरह बनाना है और टू रो का डिज़ाइन है बस। देखिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो बताएंगे आपको। और ये हमने जो बनाया था, ये टू रो जो है बेसिक रो है। अब देखिए हमने ये दो फंदे बुनाई किया और जो ये जाली वाला फंदा है, इसे हम इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। इन दो फंदों को ऊपर से स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को अपनी साइड करेंगे और दो फंदे हम सीधा बुनेंगे। एक
दो, फिर इसके ऊपर से हम इसे स्लिप कर देंगे, फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे और फिर देखिए इस फंदे को हम स्लिप कर देंगे, फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे, सॉरी ये इस फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे और एक फंदा जो है एड स्टिच है इसे हम बुनाई कर लेते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स हम आते हैं ये सेकंड रो में। सेकंड रो में हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमें केवल सीधा बुनाई करना है। वैसे तो ये फोर्थ रो है लेकिन डिजाइन का ये सेकंड रो है। देखिए ये डिजाइन इस तरह बनकर आएगा और इसी आपको टू रो को सिर्फ दोहराना है। अब आप फिर इस जो हमने थर्ड रो आपको बताया था रिपीट करके बता दे रहे हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है, बस आपको रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है, इसके बाद राइट साइड से ये डिजाइन अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे और फिर उनके धागे को अपनी साइड करेंगे और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए जैसे हमने थर्ड रो में आपको बताया था सेम वही प्रोसेस है, बस आपको यही टू रो कंप्लीट दोहराना है और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनकर आएगा जो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। इसे देखिए आप इसे लेडीज़ में डालिए, कार्डिगन में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इस टू रो को आप दोहराते जाइए और ये डिज़ाइन बनकर ऐसे ही बहुत खूबसूरत आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।